मुस्लिम युवक ने दिखाई मानवता, लावारिस कोरोना संक्रमण महिला का किया अंतिम संस्कार। पुंछ जिले की मैंडर तहसील में मानसिक रूप से अस्वस्थ लावारिस महिला की कोविड महामारी के चलते उप जिला अस्पताल मैंडर में इलाज के दौरान मृत्यु होगी। कोरोना महामारी के डर के चलते उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी सामाजिक संगठन या अन्य संस्था का नागरिक आगे नहीं आया। तब एक मुस्लिम युवक जो चिकित्सा विभाग में तैनात एम्बुलेंस चालक ने दिखाई मानवता और महिला को मुख्य अग्नि देकर संस्कार किया। महेंद्र से ताहिर काजमी की रिपोर्ट। मैं बलराम शर्मा, प्रधान सनातन सभा मेंडर। आज हमारी एक लावारिस लेडी थी जिसकी डेथ हो गई है रात को, लेकिन इससे पहले इसको हमारे कुछ मीडिया वाले हजरात थे, कुछ चंद लोग और थे, उनने इसको रेस्क्यू किया था और हॉस्पिटल में इसको जाके एडमिट किया था आज से 3 दिन पहले। तो अस्पताल में इसका जो है ट्रीटमेंट पूरा चलता रहा, लेकिन रात को तकरीबन 12-1 बजे के बाद इसकी डेथ हो गई। तो आज जो है इसका संस्कार करवा रहे हैं हम मेंडर शमशान घाट पे, लेकिन कोई भी आदमी आने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक SHO साहब है और ये मीडिया के हजरात है और मेडिकल की टीम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेडिकल की जो टीम है। मीर अहमद जो लड़का है, मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी तारीफ थोड़ी है कि आज से पहले भी जो भी इधर जिसकी भी डेथ हुई है कोरोना वायरस से, तो एक मीर अहमद है, वो ड्राइविंग भी चला करता है, वो पूरा उठा के हमारी चिता भी तैयार करता है और कुछ आदमियों का इसे संस्कार भी किया है। तो मैं सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि अगर कोई लावारिस आदमी अगर करता है तो कम से कम 2 या 3 आदमी तो बाहर निकलो, लकड़ लाने वाला कोई आदमी नहीं है। मैं पूरी हिंदू बरादरी से, मुसलमान बरादरी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई हिंदू मरे या मुसलमान मरे उसमें जात पात नहीं देखो, सब एकजुट हो के इनका संस्कार करो।